सासनी कोतवाली चौराहे से लेकर सब्जी मंडी तक NH-93 पर रोड के दोनों तरफ जलभरा व गंदगी से वाहन स्थानीय पैदल यात्री एवं रागीर परेशानी से गुजर रहे हैं, जबकि शिव तेरस का समय है। कांवड़ यात्री भी जलभराव एवं कीचड़ से भरे रास्ते से गुजरने को होंगे मजबूर। किस तरह की समस्या है चौराहे से लेकर के सब्जी मंडी तक रोड पे, हाईवे पे? बहुत ज्यादा हालत खराब आई था, दुर्घटना भी हो सकती है, चारों से बच रहे हैं लोग, साइकिल पे और एक्सीडेंट भी हो सकता है। और कम से कम ये सफेद पट्टी, आधा रोड घिरा हुआ कीचड़ में, आधा रोड चौराहे से मंडी तक इतना बुरा हाल है कि कोई इसका ठिकाना ही नहीं। समाधान की कोई कृपा करके निकाल लो, दो जन रह गए सके और इसका हल निकलेगा नहीं निकलेगा। शिव तेरस आ रही है, शिव तेरस को लेकर के भी यहाँ भक्त आएंगे निकल के, भक्त आएंगे निकल के, किस तरह की परेशानी हो सकती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, गाड़ी लेंगे वो सहेंगे, यहाँ की जनता को कोसेंगे, यहाँ के प्रशासन को कोसेंगे, यहाँ के जो रक्षक है, देख रेख के अधिकारी है उनको कोसेंगे। किस तरह की समस्या आ रही है हाईवे पर कोतवाली से लेकर के? लंबी लाइनें लगी हुई हैं चौराहे से लेकर सब्जी मंडी से आगे तक, बड़ा हालत, रास्ता में पैदल भी नहीं निकला जाता, हाल बेहाल हो रहा है। चलते रहते पास नजदीक आ रही है और बस लोग कैसे जाएंगे, कावर कैसे निकलेगी, बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल है। आप देख रहे हैं TV 30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।